गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इलेक्ट्रिक करंट बनता है जब चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स या आयंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं कोई भी नॉर्मल एटम यूजुअली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है द फर्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड Electrons which are revolving in shells around this nucleus, the outermost orbit in which electrons revolve is called the valence shell. Usually, metals may room temperature per इतनी सफिशेंट थर्मल एनर्जी अवेलेबल रहती है कि वैलेंस शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे मटेरियल में फ़्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी मटेरियल में फ्रीली मूव कर सकें दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं That will be completely concerned with the movement of these free electrons between two points, the movement of these free electrons between two ends of a wire. So, the electric current between two points, suppose that we have two points A and B, and we move a charge Q between them. And the charge Q takes a time T to move from A to B, it means that the electric current produced due to the motion of this charge from A to B is given by the charge flowing divided by the time taken by the charge to move from point A to B. More faster the charge moves. More will be the current produced, and the unit of this current is amperes. Usually, the motion of free electrons produces current, and when charged particles move from one point to another, they basically carry. Kinetic energy from the starting point towards the ending point. So, if we will have two points A and B between which we want to move the charge, in normal metals or in any type of conductor. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक करेंट इज़ यूजअली वेरी हाई एंड इट प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट लेकिन यूजअल लाइफ में आपने देखा होगा कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटीन्यूसली मोशन में रहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटेलिक स्लैब के अंदर हैं दे आर ऑल्सो इन कॉन्टीन्यूअस मोशन इवन एट रूम टेम्परेचर इट मीन्स डैट रूम टेम्परेचर पर भी मेटल के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि इनके मोशन की वजह से कोई ना कोई करंट ज़रूर बननी चाहिए बट यू विल सी और यू विल एक्सपीरियंस दैट नो करंट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटलिक स्लैब को टच करने से आपको कभी कोई करंट नहीं लगती बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन तो कर रहे हैं

उससे इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्जेस हैं उनमें मोशन तो है बट दैट मोशन इज़ कंप्लीटली कैंसलिंग आउट इट मीन्स द ओवरऑल मोशन इज ज़ीरो इसी वजह से ऐसा मोशन कोई भी करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता सो so किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कराना शुरू करते हैं केवल उसी मोशन की वजह से करंट बन सकती है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ओवरऑल करंट इन ऑर्डर टू जनरेट अ करेंट यू विल हैव टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड ऑल्सो इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन जब तक सभी इलेक्ट्रॉन्स या सभी फ्री चार्जेस एक स्पेशल डायरेक्शन में मोशन ना करें तब तक ओवरऑल कोई भी इलेक्ट्रिक करेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती कोई भी इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस नहीं होती सो हमें दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए या दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक तरीके के फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यूजुअली आपने देखा है कि अगर किसी पाइप के दो एंड्स के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस हो इट मींस एक एंड जो है वो हायर प्रेशर पे है एंड अदर अदर एंड इज़ एट लोअर प्रेशर देन यू कैन ईजिली एक्सपीरियंस इन लाइफ दैट Water will flow from the high pressure point to lower pressure point. It means that water at the higher pressure point has a higher energy and water at the lower pressure point will have a lower energy and energy always flows from a higher value to a lower value that is exactly same as heat energy which flows from a higher temperature towards a lower temperature. So nature McCoy, is. हमेशा एक हायर एनर्जी के कन्फिग्रेशन से एक लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन की ओर आना चाहती है सो सिमिलरली इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेट कराने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पार्टिकल हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करें इट मीन्स देयर मस्ट बी अ लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड सम इस्मॉलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर एट अ डिफरेंट पॉइंट ये कंडीशन रिप्रजेंट करती है कि एक दिए हुए पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा है दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल प्रेशर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम है और इसी की वजह से चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर को मूव करना शुरू कर देते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल करंट बनती है सो द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट विल कम आउट एज इलेक्ट्रिक करंट इज मेड अप बाय मोशन ऑफ Charged particles. The first point is electrical current is made up of the motion of charged particles between two points. The second important point which arises is that electric current, electric current requires. A difference of electrical pressure to flow between two points. so these आर the बेसिक results which we हैव ड्रॉन फ्रॉम the टॉपिक which we हैव स्टडीड that इलेक्ट्रिक current जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मोशन की वजह से बनती है ऐसी इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करने के लिए या चार्ज पार्टिकल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर के डिफ्रेंस की ज़रूरत पड़ती है और इस डिफरेंस को इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में जाना जाता है इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी सो नाउ वी विल मूव टू पोटेंशियल डिफरेंस The pressure difference This pressure difference is identified as potential difference बिटवीन द टू पॉइंट्स तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है एंड मैथेमेटिकली इन फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला वी कैन डिफाइन दिस पोटेंशियल डिफरेंस In terms of, so if you will have two points A and B and a charge Q is moved between the two points, then the potential difference between A and B will be defined as the work done in moving this charge from A to B divided by the amount of charge which is moved and the unit is volts so the potential difference or the difference of energy or electrical pressure between the two points is defined as how much work you are doing to move the charge particle between the two points divided by the amount of charge which you have moved so एंड और इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करने के लिए केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही ज़रूरी नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल डायरेक्शन में मूवमेंट दें और उस मूवमेंट को देने के लिए आपको एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है दोनों पॉइंट्स के बीच में और यह प्रेशर का डिफरेंस उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव होने के लिए सो so, और आप इस कंसेप्ट को डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सिमिलरली The potential at a point A, the potential at a point is defined as the work done in moving. यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनीटी टू दैट पॉइंट सो किसी भी दिए हुए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को निकालने के लिए हम वो वर्क कैलकुलेट करते हैं जो इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज मीन्स वन चार्ज को इन्फिनिटी से एक दिए हुए पॉइंट तक लाने में हमें करना पड़ता है सो इट मीन्स अभी तक ये क्वांटिटी वी ए बी आपको बता रही है कि दो स्पेसिफिक पॉइंट्स ए और बी इनके बीच में क्यू चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क किया अगर हमें यह पता करना हो कि केवल ए पर कितना पोटेंशियल है या केवल बी पर कितना पोटेंशियल है तो उसे डिफाइन किया जाता है सो इट मींस कुछ इस फॉर्म में द पोटेंशियल एट ए कैन बी डिफाइंड एज हाउ मच वर्क यू आर डूइंग इन मूविंग अ पार्टिकल अ चार्ज पार्टिकल ऑफ वन वन कूलाम और वन चार्ज फ्रॉम यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट सो सपोज दैट आप इन्फिनीटी से इस चार्ज को ए पॉइंट पे ला के रख देते हैं और आपने जो वर्क किया है दैट इज डब्ल्यू सो द पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज मूव्ड सो द चार्ज इज वन सो इट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू सीधे सीधे उस वर्क के बराबर है जो आपने इन्फिनिटी से इस वन चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में किया है सो so, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक दिए हुए पॉइंट तक लाते हैं तो हमें चार्ज पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है और चार्ज कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है सो so, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हुआ है इट मीन्स चार्ज पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा और यही वर्क पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस चार्ज के अंदर सो पोटेंशियल इज़ नथिंग पोटेंशियल कोई नई चीज़ नहीं है पोटेंशियल इज समथिंग लाइक पोटेंशियल के क्रिएट करने के लिए आप किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाते हैं और एक पॉइंट पे लाके सेटल कर देते हैं क्योंकि किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी से लाने में आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा इट मीन्स दैट द वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स हेयर इज नॉट अ मैकेनिकल फोर्स जो फोर्स आप उस चार्जड पार्टिकल पे लगा रहे हो ये मैकेनिकल फोर्स नहीं है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि केवल चार्जेस पे लगाया जा सकता है इट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स विच मूव्स द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर सो आप इस फोर्स के बारे में ये मिसकन्सेपन ना रखें दैट दिस फोर्स इज समथिंग लाइक मैकेनिकल फोर्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन इट्सैल्फ इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल सो एनी मैकेनिकल फोर्स कैन नॉट पुश एन इलेक्ट्रॉन इफ़ यू वॉन्ट टू पुश एन इलेक्ट्रॉन बाय योर फिंगर टिप दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज सो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना चाहते हैं तो जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो मैकेनिकल नेचर का कभी नहीं हो सकता वो ऐसा फोर्स होगा जो कि सीधे सीधे उसके चार्ज को इफेक्ट करे एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रिकल फोर्स सो किसी भी दिए हुए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक किसी वन कूलाम चार्ज या यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हमको करना पड़ता है एज यू विल सी क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियोरम हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा वर्क हम करते हैं उतना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ती जाती है सो so, इसका मतलब यह है मोर पोटेंशियल डिफरेंस मोर पोटेंशियल डिफरेंस टवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क सो दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप लगाते हैं उतना ज़्यादा वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच में होता जाता है और इससे एक बहुत अच्छा फंडामेंटल रिज़ल्ट निकलेगा वी विल सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट द रिज़ल्ट इज़ कि अगर हम वर्क के अमाउंट को बढ़ाते जाएं, हम ये जानते हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज इज वी ए बी इट मीन्स जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप दोनों पॉइंट्स के बीच में क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा वर्क होता रहेगा और जितना ज्यादा वर्क होगा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम एनर्जी थ्योरम लार्जर वर्क मीन्स लार्जर एनर्जी सो दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा चार्ज के ऊपर वर्क होने लगता है और जितना ज्यादा वर्क होगा चार्ज की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज के मोशन के साथ एसोसिएटेड है दैट एनर्जी विल इंक्रीज वट डज इट मींस इट मीन्स दैट की अगर हम किसी चार्ज को मूव कराने के लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो करेंट आप बना रहे हैं चार्ज के मोशन से आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मोशन बढ़ गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस आप दोनों पॉइंट्स के बीच में क्रिएट कर पाते हैं उतना ही ज़्यादा वर्क आप उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर करते हैं और जितना ज़्यादा वर्क होता है उतनी ज, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो गेन कर लेता है और ज़्यादा एनर्जी की वजह से पा, चार्ज पार्टिकल तुरंत दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है इसका मतलब यह हुआ कि द चार्ज पार्टिकल विल नाउ टेक अ लेसर टाइम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इट मीन्स दैट चार्ज पार्टिकल अब कम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है तो अगर चार्ज पार्टिकल जिस टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा था उसे हम कम कर दें तो करंट का अमाउंट बढ़ने लगता है और इससे एक डायरेक्ट रिजल्ट आप ये निकाल सकते हैं कि अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें देन इट इमीडिएटली इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू पॉइंट्स बिकॉज जैसे जैसे आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं जो वर्क आप कर रहे होते हैं वो बढ़ता जाता है और वर्क एनर्जी थियरम यह कहती है कि जितना ज़्यादा वर्क उतनी ज़्यादा पार्टिकल की एनर्जी और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल उतनी जल्दी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का ट्रैवलिंग टाइम कम होने लगता है ट्रैवलिंग टाइम के कम होते ही करंट बढ़ती है और इससे हमारा रिजल्ट निकलता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट। इट मीन्स वी कैन राइट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर जितना ज्यादा आप दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतनी ज्यादा करंट आप पाएंगे चार्जेस के मूवमेंट की वजह से क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के मोशन को फास्ट करना शुरू कर देता है और चार्ज जल्दी से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है जिससे हमको ज्यादा करंट मिलने लगती है और क्योंकि बिकॉज वी हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वी एंड आई इट मीन्स वी कैन एलिमिनेट दिस प्रोपोर्शनैलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग

जब चार्ज पार्टिकल्स मोशन कर रहे हों और मोशन करते वक्त जो हिंड्रेंस या जो प्रॉब्लम्स चार्ज पार्टिकल को होती है किसी वायर के अक्रॉस मूव करने में जो रेजिस्टेंस या जो हिंड्रेंस एक चार्ज पार्टिकल को मोशन करने में वायर के अक्रॉस हो रही है उसे हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं फिजिकली इसका मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर ट्रैवल करना शुरू करता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर न इट स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद द एटम्स ऑफ दी वायर वो उस वायर के एटम्स के साथ टकराना शुरू कर देता है और टकराने की वजह से वह अपनी एनर्जी का कुछ अमाउंट लूज करता है खर्च कर देता है या उसकी एनर्जी का कुछ अमाउंट हीट में या साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिनिना रजिस्टेंस कहलाता है ये जो एनर्जी ड्रॉप हो रहा है यह एक तरीके का लॉस है एनर्जी का जो कि वायर के रेजिस्टेंस की वजह से होता है और ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इन कॉलिजन की वजह से सो वी कैन राइट वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर जो कि एक कांस्टेंट है और अगर हम फिजिकल सिचुएशंस को फिक्स रखें यानी कि अगर आप किसी भी तरीके के टेम्परेचर में चेंज नहीं करते हैं तो V अपॉन I का जो ये रेशियो है ये हमेशा फिक्स बना हुआ रहता है इट रिमेन्स अंस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट और द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट is a fixed quantity at fixed temperature which is called resistance of the wire so in form of a statement we can write according to ohm's law to The ratio of potential difference and current is a constant constant at फिक्सड टेम्परेचर विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज और दोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द करेंट विच इज फ्लोइंग दैट क्वांटिटी इज फिक्सड जब तक आप टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करते यह क्वांटिटी फिक्स बनी हुई रहती है और इसको हम रजिस्टेंस कहते हैं और अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा ग्राफ विल बी इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और यह स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यह रेजिस्टेंस बदलता नहीं है जब तक आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना करें सो so, दिस ग्राफ विल बी एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन इट मीन्स कि अगर आप किसी भी दिए हुए इंस्टेंट पे सपोज दैट कि ये एंगल थीटा है और ये कोई पॉइंट हम इस ग्राफ पे चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं यूँ सो दिस लाइन ये जो हाइट है ये रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को और जो students, ये ब्रैथ है स्टूडेंट्स ये रिप्रजेंट कर रही है करंट को सो अगर आप वोल्टेज और करंट का रेशियो कैलकुलेट करेंगे इट मींस अगर आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करें स्लोप का मतलब होता है टेंट हीटा सो टेंट हीटा की डेफिनेशन जो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस द परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल इज वी एंड द बेस इज आई V अपॉन to अकॉर्डिंग टू ओम R. So सो यू कैन write राइट theta इज इक्वल टू R. और द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू R. सो so, अंडर constant फिजिकल situations, इट मीन्स अगर आप टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नजर आएगा और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप या टैन थीटा की वैल्यू हर जगह पे सेम बनी हुई रहेगी हालांकि एक्चुअल फिजिकल सिचुएशंस में एक्चुअल प्रैक्टिसेस में ज़्यादातर रजिस्टेंसेस ओम स्लो को फॉलो नहीं करते इट मींस ग्राफ वी और आई के बीच में जो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेट लाइन ये बहुत कम रजिस्टेंसेस के लिए ही ट्रू है बिकॉज जैसे जैसे हम किसी रेजिस्टेंस को यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस हीट एनर्जी की वजह से रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जैसे ही रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बदलता है ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट कोलैप्स कर जाता है इट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज़ नाउ नॉट वैलिड बिकॉज ओम्स लॉ वर्क्स फॉर फिक्स टेम्परेचर्स ओनली सो एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग अ रेजिस्टेंस द टेम्परेचर ऑफ़ द रजिस्टेंस विल चेंज ड्यू टू द हीट एनर्जी लिबरेटेड एंड दिस इज समिंग विच वायोलेट्स और विच कोलेप्सिसज द ओम स्लॉ फॉर एनी टाइप ऑफ रजिस्टेंस सो नेचर में जितने भी रजिस्टेंस आपको देने देखने को मिलते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो ओम स्लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि यूज करते करते सभी रजिस्टेंसेस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है उनमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है जिसकी वजह से उनका रजिस्टेंस लगातार बदलता रहता है अगर रेजिस्टेंस बदलता है तो इस लाइन का जो ये स्लोप है ये बदलता रहता है इट मींस कभी ये लाइन इस एक्सिस की ओर थोड़ा डाउनवर्ड होगी कभी ये लाइन अपवर्ड होगी इसका शेप एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं रहता सो ज्यादातर रजिस्टेंसेस जो आप नेचर में देख रहे हैं या जो हम यूज करते हैं ऑल ऑफ देम आर नॉन ओमिक रजिस्टेंसेस मैं आपको एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल है दैट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब जब हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हैं सो इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी सो इट मीन्स दैट कि जब वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसका रेजिस्टेंस बदलने लगेगा और रेजिस्टेंस बदलेगा तो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता सो इट इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इट मींस व्हिच डजेंट फॉलोज ओम्स लॉ So, अगर इस तरीके के बल्ब के लिए हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ खींचें देन द ग्राफ विल लुक लाइक दिस दैट विल बी वोल्टेज एंड करंट एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब थीटा की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होगी और अलग अलग होने की वजह से रेजिस्टेंस इसका बदलता रहेगा सिमिलरली रेजिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ बेसिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि वायर की ओवरऑल लेंथ कितनी है सिमिलरली वायर का रजिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया या थकनेस कितनी है सो so, एक्सपेरिमेंटली अगर हम किसी भी वायर का लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका रजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न है जितनी ज़्यादा लेंथ हम वायर की लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन के दौरान उतने ज्यादा एटम्स उसके रास्ते में आते हैं और और ज्यादा कॉलिज़न्स होने लगते हैं कॉलिज़न्स ज्यादा होने की वजह से एनर्जी लॉस ज्यादा होता है और ज्यादा एनर्जी लॉस रिप्रेजेंट करता है ज्यादा रेजिस्टेंस को सिमिलरली अगर आप किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं इट मीन्स दैट यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर विल डिक्रीज इसके पीछे भी एक्जैक्टली exactly इसी का जैसा लॉजिक है दैट इफ यू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर द एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए ज्यादा जगह मिलना शुरू हो जाती है इट मीन्स अगर ये कोई वायर है जिसकी अपनी लेंथ एल थी और इसका ये सर्कुलर एरिया ए है देन इफ यू विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द वायर

अगर हम इन दोनों लॉस को कंबाइन कर लें देन वी कैन राइट आर प्रपोशनल टू एल अपॉन ए और इस प्रपोशनैलिटी को एलिमिनेट करने के लिए वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज जो कांस्टेंट हम इसमें लगाएंगे दैट कॉन्स्टेंट इज आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए सो दिस कांस्टेंट जो हमने कॉन्स्टेंट इसमें लगाया है दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी सो रो इसको हम इट अ ग्रीक सिम्बल विच इज कॉल्ड रो आर एच ओ एंड दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल रजिस्टिविटी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वाई स्पेसिफिक बिकॉज इट इज स्पेशल फॉर एवरी मटीरियल इट वेरीज फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल अगर आप मटीरियल को बदलते हैं तो ये रजिस्टिविटी भी बदल जाती है सो दैट्स वाई अ प्रीफिक्स ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक रजिस्टेंस तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी भी मटेरियल के लिए स्पेशल होता है इट मींस अगर आप वायर के मटेरियल को बदल देते हैं तो रो की वैल्यू इस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है अगर आप वायर वही रखते हैं लेकिन उसके लेंथ और एरिया वगैरह को बदलते हैं तो उससे रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए में हम एक स्पेशल केस देखते हैं If L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter squared, then we can write the resistance R is equal to rho into 1 upon 1 or R is equal to rho. So R is equal to rho. वट डज इट मीन्स कि अब इस फॉर्मूला से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं तो द डेफिनेशन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस Resistance is the resistance of a wire for wire of unit length. Unit length means one length, the value of length should be one. Unit length and यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सो अगर एरिया और लेंथ दोनों की वैल्यू वन हो जाए तो रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस टू रो सो ये हर बार किया जा सकता है एंड रो इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल इट मीन्स इसका लेंथ या एरिया के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होता अगर आप मटेरियल बदलेंगे रेजिस्टिविटी बदल जाएगी सो so, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है बहुत ही कम होती है इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजी मोशन प्रोवाइड करते हैं सिमिलरली इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई एंड सेमी कंडक्टर्स विल हैव अ रजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड

ये मोशन जो है वो कंप्लीटली रैंडम होता है इट मीन्स द मोशन द ओवरऑल मोशन इज जीरो ऑल द मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज कैंसिलिंग आउट दैट्स वाई नो करेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अगर आप एक रियल करेंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं एक रियल करेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करना जरूरी होता है इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हम दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज़ मूव्ड जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चार्ज को मिल जाता है और इसकी वजह से चार्ज क्विकली दूसरे एंड तक पहुंच जाता है और करंट बढ़ने लगती है सो इट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट इंक्रीज साइमल्टेनियसली इट मीन्स अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है और इन दोनों की प्रपोर्शनैलिटी के बीच में अगर आप एक कांस्टेंट लगा देते हैं दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और V इज इक्वल टू आई आर जो ये रूल बनता है दैट रूल इज नोन एज ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी वायर जितनी ज्यादा लेंथ आप लेते हैं उतना ज्यादा जा, उतना रेजिस्टेंस होता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर एंड मोर कॉलिशंस जितना ज्यादा एरिया आप वायर का लेते हैं इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए उतनी ज्यादा स्पेस मिलती है तो कॉलिशन का चांस कम होने लगता है एंड दिस गिव्स अस द टोटल सीनेरियो और द टोटल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन शेयर विदर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल